कहता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब उस ऑर्बिट में ग्राउंड स्टेट के उस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उसको इन्फिनिटी पर भेजना है, उसको न्यूक्लियस से कैद है ना इलेक्ट्रॉन यार, न्यूक्लियस ने उसको कैद करके रखा, बांध करके रखा है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से आज़ाद कर देते हैं, छुड़ा देते हैं, तो उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटम एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, और देखो एक्साइट हुआ होगा ग्राउंड स्टेट से और हायर एनर्जी में गया होगा, और जब डी एक्साइट होगा तो डी एक्साइटेशन में 6 फोटॉन्स निकले होंगे, 6 फ्रीक्वेंसी, 6 वेवलेंथ, 6 ट्रांजिशन हुआ होगा, ये सारी कहानी हुई होगी। मैक्सिमम वेवलेंथ इमिटेड इन द ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू बिटवीन देम। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक है स्मार्ट तरीका और एक है बहुत ज़्यादा गधा मजदूरी। तो एक मैं पहले मैं आपको जनरल मेथड से करके दिखाता हूँ। पहले स्मार्ट तरीका से देखो, एक पहले फर्स्ट मेथड है कि एक बच्चा जो ऐसे करेगा वो यार स्ट्रगल नहीं करेगा, एक बच्चा है एग्ज़ाम में स्ट्रगल करेगा, और ये एक बच्चा जो इस मेथड से करेगा वो उसका तुरंत हो जाएगा वो, ठीक है पहले समझो। तो ये देखो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 5। अब देखो 6 वेवलेंथ या 6 फोटॉन्स एक्साइटेशन में कब निकलते हैं, अगर ग्राउंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक ही फोटॉन निकलेगा, सेकंड में जाता है तो ये कैसे निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा, तीन ही निकलेंगे, और अगर फोर्थ में जाता है तो एक ऐसे निकल सकता है, एक ऐसे निकल सकता है, 1, 2, 3 और 4 हो गया, और 5 और 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, समझ रहे हो ना, ये सिक्स ट्रांजिशन इस तरह से आ सकता है ग्राउंड स्टेज में, ऐसे आ सकता है और ऐसे आ सकता है। तो ये जो इसका मतलब ये हुआ कि वो 6 में गया, वो 1, 2, 3, 4 में गया है, वो एक्चुअली 4 में गया, क्योंकि 3 में रहेगा, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तो एक ही फोटॉन निकलेगा जब डी एक्साइट होगा, सेकेंड में रहेगा तो 3 निकलेंगे, ठीक है 3 मैक्सिमम फोटॉन या वेवलेंथ निकलेंगे, और अगर 4 में रहेगा तो 6 पॉसिबल है। तो जब हम सबको पता है कि ये 4 में है, तो एक तरीका है ऐसे पता कर सकते हो कि अगर वो 4 में चला गया तो देखो, अब 4 में चला गया तो एक तो ऐसे पता कर सकते हो कि 4 में है, दूसरा तरीका यह है कि 4 में जाने का वो हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फार्मूला लगा दो। जब ग्राउंड में जंपिंग होती है तो नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू n n-1/2। बट ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है, पहले इसको मैं पूरा समझा देता हूँ फिर स्मार्ट वाले तरीके से बताऊँगा, क्योंकि पहले पूरा प्रोसेस समझ लो। तो एक पता है, ये बात पता है कि n इज इक्वल टू 4 में है, एक तरीका है स्पेक्ट्रल पता करने का, और एक मेथड ये फार्मूला है जब ग्राउंड में जंपिंग होता है तो n कितने लाइंस जनरेट हुए, दैट इज 6 और मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर और माइनस n और डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, n स्क्वायर माइनस 4n और प्लस 3n दैट इज माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा n n माइनस 4 और यह आ जाएगा प्लस 3n माइनस 4, तो यह आ जाएगा n प्लस 3 और n माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, n की वैल्यू आ जाएगी 4। तो जब हमारे पास दो है तो एक को रिजेक्ट कर दो माइनस वाला और पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। जब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक माइनस ए पॉसिबल नहीं है और ये प्लस वाला पॉसिबल है, तो ये हमें पता चल गया एन इज इक्वल टू 4 में था। आप ऐसे भी पता कर सकते हो, ऐसे भी पता कर सकते हो। अब जब ये बात पता चल गया तो अब हमें ये बात पता करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ किस ट्रांजिशन में हुआ होगा। तो यहाँ कितने ट्रांजिशन हुए यार, यहाँ पर 6 ट्रांजिशन हुए हैं, तो उस 6 ट्रांजिशन में अब देखो कि मैक्सिमम वेवलेंथ कब इमिट होगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ तब इमिट होगा अब जब आपको एनर्जी लेवल चेक करना पड़ेगा।
तो एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है एस सी अपॉन लैम्डा। तो मैक्सिमम लैम्डा मैक्सिमम होगा प्यारे बच्चों जब ये वाली जो चीज़ है वो मिनिमम आएगी, क्लियर है। तो एनर्जी मिनिमम कब होगी, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो 1 में कितनी एनर्जी होती है, -13.6, इसमें कितनी एनर्जी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 और -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तरीका है कि अब जो ट्रांजिशन हुआ है उसमें देख लो कि एनर्जी मिनिमम किस में आ रही है, ये मिनिमम 3 से 2 में माइनस कर दो तो 3 से 2 में आया है तो माइनस कर दो एनर्जी, फिर कैलकुलेट कर लो, फिर 2 से 1 में कैलकुलेट कर लो, 2 से 1 में जंप किया है तो ये भी डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, फिर 4 से 3 में कैलकुलेट कर लो तो 4 से 3 में कैलकुलेट कर लो एनर्जी डिफरेंस, फिर 3 से 2 में कैलकुलेट कर लो तो 3 से 2 में कैलकुलेट कर लो। अब जब पूरा कैलकुलेट कर लोगे चारों, फिर देख लो कि डिफरेंस मिनिमम किस में है, और जब जो जिसमें मिनिमम आएगा उसमें लैम्डा मैक्सिमम आएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, मिनिमम जो है 4 से 3 में आएगा, दैट इज 4 से 3, दैट इज सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो इसको आप घटा के सब्सट्रैक्ट करके घटा देना, सब्सट्रैक्ट कर देना, आपको आ जाएगा। अब दूसरा स्मार्ट तरीका है, देखो ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंदी है, इस क्वेश्चन को आप बड़े स्मार्ट तरीके से कर सकते हो और बाकियों से आगे निकल सकते हो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है यार, हमें लैम्डा निकालना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू एस सी अपन लैम्डा मैक्सिमम निकालना है। तो लैम्डा मैक्सिमम तब होगा जब एनर्जी मिनिमम होगी, भाई एनर्जी मिनिमम होगी, और ये इन इन सभी ऑप्शन में से, इन चारों ट्रांजिशन में से ये देख लो कि किस में एनर्जी मिनिमम होगी। तो एनर्जी मिनिमम हमें कॉन्सेप्ट पहले से ही पता है यार, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट पहले से पता है, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4। जब मैं थियरी पढ़ाता हूँ तो ये बहुत डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ ये वाली चीज़ जो अभी मैं बता रहा हूँ। जब हम इधर से इधर जाते हैं तो टोटल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 होती है एनर्जी, टोटल एनर्जी, और वो होती है 0 और कहाँ होती है, इन्फिनिटी पे। और मिनिमम वैल्यू टोटल एनर्जी की वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड के स्टेट में, हाइड्रोजन के केस में जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, और वो होती है यहाँ पे ग्राउंड एन इज इक्वल टू 1 के लिए, एन इज इक्वल टू 1 के लिए मिनिमम और ये मैक्सिमम, ये आपको पता है। लेकिन अगर ये जो कंजुगेटिव डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, ये टोटल एनर्जी तो इंक्रीज होती है, पर ये जो कंजुगेटिव डिफरेंस है डेल्टा E1, डेल्टा E2, डेल्टा E3, ये जो होती है डेल्टा कंजुगेटिव डिफरेंस, ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो डिक्रीज होती है यार। बात समझ में आ गया, टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है बट कंजुगेटिव एनर्जी सेल का डिफरेंस वो डिक्रीज होता है, मैक्सिमम यहाँ होगा और मिनिमम इन्फिनिटी और लास्ट वाले इन्फिनिटी से पहले वाला, तो ये वाला जो चीज़ है वो डिक्रीज होती चली जाती है एनर्जी लेवल। तो अब देखो इसमें से ट्रांजिशन में देख लो कि अगर 3 से 1 में जंपिंग हुआ, देखो 3 कहाँ है, तो 3 से 1 में जंपिंग हो गया एक ट्रांजिशन, ये डेल्टा ये फर्स्ट हो गया। अब 2 से 1 में जंपिंग हुआ, तो 2 से 1 में जंपिंग हुआ तो ऑब्वियसली 2 से 1 में अगर जंपिंग होगा तो सबसे मिनिमम एनर्जी होगी। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सबसे 2 से लैम्डा मैक्सिमम चाहिए ना, तो एक है 2 से 1, हाँ नहीं डिक्रीज होती है ना, तो ये मैक्सिमम होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है, एक 2 से 1 में हुआ और एक 4 से 3 में हुआ। तो 4 से 3 में कहाँ, देखो 4 से 3 ये समझने की कोशिश करना, ये 4 से 3 और एक 4 से 3 हो गया और एक है 3 से 2 हो गया, 3 से 2 हो गया ये। अब हम सबको पता है कि कंजुगेटिव एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होता चला जाता है, तो इस वाले और इस वाले में कंपेयर कर दो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ होगा, सबसे कम डिफरेंस यहाँ होगा, तो सबसे कम डिफरेंस यहाँ होगा, इसकी जो एनर्जी डिफरेंस है सबसे मिनिमम होगी, डेल्टा ई मिनिमम होगी, तो डेल्टा ई मिनिमम होगी, ये भी इससे कम ही होगा यार, ये भी इससे कम ही होगा, तो ये डेल्टा ई मिनिमम 4 से 3 में होगी, तो 4 से 3 में लैम्डा मैक्सिमम होगा, मतलब 3 से 4, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है।
तो ये एक स्मार्ट तरीका, अगर आपको ये, तो मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेचारे कमज़ोर होते हैं यूट्यूब पे या इंटरनेट पे, तो उनको समझ में नहीं आता है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इसको आप चुटकियों में एक लाइन में कर दोगे, हाँ थर्ड ऑप्शन। और जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से, वो एग्ज़ाम में जाके स्ट्रगल करेंगे और उनका सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सिंपल।